तो दोस्तों, 8 राज्यों के अंदर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है तूफान का, उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ आप देख सकते हो, आने वाला है चक्रवाती तूफान, 8 राज्यों में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच मौसम विभाग की एक चेतावनी ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कल शाम यानी 16 मई को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान एम्फन आएगा। इसके चलते अंडमान निकोबार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। इस चक्रवाती तूफान के असर के चलते देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा के तटीय इलाकों के पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी, दक्षिण और सेंट्रल इलाके के समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। साथ ही जो मछुआरे समुद्र के इन इलाकों में गए हैं, उन्हें भी तुरंत वापस लौट आने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी चक्रवाती तूफान एम्फन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के तटीय इलाकों में 2 से 3 दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली NCR में आंधी बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम बदल गया। शुक्रवार को भी दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा में 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया, तो बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को चक्रवात का रूप धारण कर सकता है। ऐसे में ओडिशा के 4 तटीय जिलों को विशेष सतर्क रहने के लिए कहा गया, जबकि 12 अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं और एहतियातन में सभी सरकारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जैना ने बताया कि मौसम विभाग ने आशंका जताई कि कम दबाव का क्षेत्र शनिवार शाम तक चक्रवात में तब्दील हो सकता है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिमी और रविवार शाम तक उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा। हालांकि यह कहां तक लैंडफॉल करेगा अभी तक स्पष्ट नहीं है। इन राज्यों के अलर्ट जारी किया गया, देख सकते हो आप, इसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड के साथ ही पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरी राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ सकता है। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहते हुए घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी है। और भारी बारिश भी आ सकती है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तटीय ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, इनके अंदर भारी बारिश आने की भी संभावना बताई गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, मौसम विभाग की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।